हमारे YouTube चैनल IZ Expert Guru को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ आधार कार्ड और सिम कार्ड से किस तरीके से ठगी होती है, फ्रॉड होता है, हैकर या ठग आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ATM प्लस सिम फ्रॉड बताया था। इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड, जिसको आप ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, जब चाहें जिधर चाहें मर्जी आप आधार कार्ड थमा देते हैं, जी हाँ, उस आधार कार्ड और आपकी सिम के कॉम्बिनेशन को मिलाकर किस तरीके से ठगी करते हैं और आने वाले वक्त में और ज़्यादा करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में अपनी मोहब्बत दिखाई, अपना प्यार दिया मुझे, मेरी वीडियो ने चंद घंटों के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हासिल करा। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। इस वीडियो में भी वही बाल कलाकार हैं जिन कलाकारों ने मेरी पिछली वीडियो में रोल अदा किया था। अगर मेरी इस वीडियो में थोड़ी कमी हो तो बराए मेहरबानी उसको इग्नोर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी आप कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो फ़ौरन आपके पास पहुँचेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो देखिए फिर मेरी इस वीडियो को। ओ वेंटी भाई, आ भाई, कहाँ हो भाई? आ गया भाई, बस एक सेकेंड। और भाई, लिया है सारी इन्फॉर्मेशन? जी भाई, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आई है, आप चाहे चेक कर लो। दिखाइए भाई जरा। वाह भाई वाह यार, तू तो बड़े काम का बंदा यार, सारी इन्फॉर्मेशन ले आया। देख लो, अब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अबे क्या बोल रहा है तू, ये ले जा। हेलो सर, मैं इधर आ सकता हूँ? क्या काम है आपको? सर, मैं ABCD मॉल से आया हूँ और सर आपके लिए कुछ बेस्ट ऑफर्स लेके आया हूँ। अच्छा, बैठिए आप। ओके सर, बात करते हैं। ओके ओके सर, ओके। एक सेकंड रुकिए। जी सर, आपको पता है कितनी बीमारी चल रही है? जी जी, कोरोना ही बहुत है। ओके सर, उससे आपको सावधान रहना थोड़ा। जी सर, बिल्कुल सर, सैनिटाइज करिए। जी बिल्कुल, ठीक है सर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सर। मैं ABCD मॉल से आया हूँ और सर आपके लिए कुछ बेस्ट ऑफर्स लेके आया हूँ। सर ऑफर्स में ये है कि आप जब भी हमारे मॉल में शॉपिंग के लिए आओगे या आप जब भी कुछ भी खाने पीने के लिए आओगे, सर उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। सर उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक कार्ड बनवाना होगा। तो मुझे उस कार्ड से क्या फायदा मिलेगा? सर कार्ड से आपको यही फायदा मिलेगा, आप जब भी शॉपिंग के लिए आओ, आप कभी भी आओ, किस जिस टाइम भी आओ, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा उसमें। तो मुझे कार्ड उस पास के लिए मतलब क्या देना पड़ेगा? सर उस पास के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है,
बस आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी है। अच्छा तो एक सेकंड आप रुकिए, मैं देता हूँ आपको। ओके सर। ओके लीजिए सर। पेन मिलेगा? पेन एक सेकंड। सर नंबर बता दीजिए आप अपना। नंबर 9999808037372929। ओके सर। सर मेरा ये पास कब तक बंदर आ जाएगा? सर ये पास आपके पास ओनली 5 डेज में आ जाएगा, मतलब कि सर आपके पास ये पास 5 दिन में बनकर आ जाएगा। चलो ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह रहा है। हेलो सर। जी कौन? सर मैं फोन कंपनी से डी शर्मा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर आपकी जो सिम है वो 64 MB की है और सर हमारी कंपनी उसे कन्वर्ट कर रही है 128 MB में। तो सर मुझे इससे क्या फायदा होगा? सर फायदा ये होगा, जैसे अभी आपकी सिम में, अभी आपके फोन में 28 कॉन्टेक्ट हैं, तो सर आप जब अपनी सिम को 128 MB में कन्वर्ट कर लोगे तो सर आप 100 कॉन्टेक्ट 150 कॉन्टेक्ट भी रख सकते हो। जी सर बोलिए, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? सर उसके लिए आपको ये करना होगा, सर आपकी सिम के पीछे 20 डिजिट के नंबर हैं, सर उस नंबर को आपको मुझे नोट करवाना है। अरे सर इसमें कोई फ्रॉड वोड तो नहीं है? क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही फ्रॉड हो रहा है। अरे अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर मैं सिर्फ आपकी सिम का बैंक नंबर ही तो मांग रहा हूँ। सर अगर मैं आपका ATM नंबर मांगता, अगर मैं आपकी बैंक डिटेल मांगता, सर अगर मैं आपकी पिन नंबर मांगता, सर जब भी तो आपके साथ फ्रॉड होता। सर सिर्फ मैं आपका सिम नंबर मांग रहा हूँ। अच्छा ओके ओके सर, मैं समझ गया। आगे क्या करना है फिर? सर मैं बस आपको कुछ सेटिंग बता रहा हूँ, आप उस सेटिंग्स को ओपन करिए। सर एक सेकंड रुकिए, माई जरा कॉपी और पेन लेके आना। ला रही हूं भाई। मुझे कॉपी खोल के दो। जी हाँ सर बोलिए। सर आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। ठीक है सर, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाना है। ठीक है सर, अबाउट फोन में जाने के बाद स्टेटस में जाना है। जी सर, स्टेटस में आने के बाद ICC ID नंबर शो हो रहा होगा। जी सर ठीक है सर, वो नंबर आप मुझे बताइए। सर ठीक है सर, तो आप मेरे को 5 मिनट में कॉल करिए। सर अब आप मुझे ICC ID नंबर बताइए। 11 11 44 44 49 49 73 72 82 79। ओके सर। सर अब आपकी सिम 4 घंटे के लिए ब्लॉक्ड हो जाएगी और सर जब 4 घंटे बाद आप अपनी सिम ओपन करोगे तो आपकी सिम 128 MB में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। और भाई संटी। हाँ भाई। आजा भाई आजा। भाई एक सेकंड यार, भाई क्या कर रहा है? एक सेकंड दोस्तों, इस हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हाथ मिलाते में करें और हाथ मिलाने के बाद जरूर करें ताकि आप इन तरह तरह की बीमारियों से सुरक्षित रहें और इस हैंड सैनिटाइजर को हमेशा अपने साथ लेकर घूमें। और दोस्तों ये जो मैंने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है ये भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क या पूरी दुनिया में जो बीमारी चल रही है CV COVID-19 जो चल रही है बीमारी उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप जरूर मास्क का इस्तेमाल करें और सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। अब लगा लो भाई।
ले भाई, भाई। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आगे तेरा काम शुरू। एक सेकंड भाई देख तो लूं, कभी तू भी देख लो भाई, देख लो भाई। यार तू तो बड़ा काम का बंदा है। एक बार, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोला था, हाथ मिलाते समय और हाथ मिलाने के बाद, और आपको भी ये जरूर करना है, जरूर आप करेंगे। चलो यार, हैकिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई, अब जरा मेन काम कर लेते हैं। हेलो सर, बैंक कस्टमर केयर। सर मुझे अपने एटीएम का पिन नंबर चेंज करवाना है। जी सर, ये मेरा एटीएम नंबर है मेरा। सर ये मेरा अकाउंट नंबर है, और सर ये मेरा एड्रेस है, और सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। भाई जान मेरे पेटीएम में 100 रुपए ट्रांसफर कर दो। बाबू अभी मेरी फोन की सिम बंद है, तो चालू हो जाएगी, मैं अपनी उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। सिम बंद है जी, आप जाइए। चार घंटे तो हो गए। मेरे बैंक से इतने सारे मैसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, वो भी डेबिट कार्ड से। मेरे डेबिट कार्ड तो मेरे पास ही रखा हुआ है। ओ शिट, तो देखो दोस्तों आपने कि किस तरीके से ठग और फ्रॉड करने वाले ने आप लोगों को ठग लिया। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड और सिम कार्ड के कॉम्बिनेशन से आपको ठगा जा सकता है। मेरा मकसद आप लोगों को अवेयर करना है। मेरे इस वीडियो का मकसद भी यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके से साइबर क्राइम पलता फूलता है, ये लोग आप लोगों को किस तरीके से आर्थिक हानि पहुँचा सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं, तो मेरा मकसद आपको आर्थिक हानि से बचाना है। आप मेरे सभी वीडियो को देखिए, जो जो वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। मेरा मकसद आपको आर्थिक हानि, साइबर क्राइम से बचाना है, साइबर क्राइम के नुकसान से बचाना है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मैं आपको और वीडियो इसी तरीके की बनाकर लाता रहूं आपके लिए। दोस्तों मेरी इस वीडियो में छोटा सा मैसेज भी छुपा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, COVID-19 एक महामारी फैली हुई है दुनिया में। बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका प्रकोप हल्का हुआ है, लेकिन हम और आप मिलकर इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हाथ सैनिटाइज करें, निश्चित दूरी रखें, भीड़ इकट्ठी ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मेरा मकसद भी यही है। जय हिंद साथियों।